दिल्ली देश में शिक्षा के बड़े केंद्रों में से एक है। देश भर से अलग अलग सामाजिक वर्ग के छात्र आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन के दौरान जहाँ पर एक तरफ सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, सब कुछ बंद है, वहीं पे छात्रों का कहना है कि उनके लिए एक बड़ी समस्या है फिलहाल किराया देना। कई छात्र अलग अलग जगहों पे किराए पे रहते हैं, छात्रावास उनको भी सबको नहीं मिल पाते हैं जो कि किसी विश्वविद्यालय या किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, और बहुत से छात्र हैं जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। इन छात्रों का कहना है कि फिलहाल उन्हें पैसे मिलने में घर से भी तकलीफ हो पा रही है। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कि दिल्ली में फ़िलहाल नहीं हैं, लेकिन लगातार उनसे किराया लेने के लिए मकान मालिक दबाव बना रहे हैं। लॉकडाउन में रोज़गार धंधा काम सब कुछ ठप हो गया है पूरी तरह से। स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए हैं, ट्रेनिंग हर तरह का बंद हो गया, इंटर्नशिप बंद हो गया, जो पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे थे कई सारे यंगस्टर्स उनका वो ख़त्म हो गया, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले थे वो सारे पोस्टपोन हो गए। तो बेसिकली ये जो पीरियड है ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया एक तरह से, ये पीरियड पूरी तरह से। और ज़्यादातर जो छात्र अपने गाँव घर से दूर शहरों में जाकर नौकरी की तैयारी करते हैं, नौकरी तलाशते हैं, वो सब गरीब मध्यम वर्ग परिवार के मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं। तो उन सब का अपना तो आय का स्रोत नहीं था क्योंकि वो बेरोज़गार पहले से ही थे, और वो जिनके ऊपर निर्भर थे अपने परिवार में अपने गार्जियंस पे, उन सब के आय के स्रोतों पे भारी असर पड़ा है। तो ऐसे वक्त में जब सब कुछ ठप हो गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो छात्रों ने मांग करना शुरू किया कि हमारा किराया माफ़ किया जाना चाहिए, वरना हम इस पढ़ाई को, हम अपने सपने को जो परस्यू कर रहे हैं शहरों में रह के, वो हम आगे कर नहीं पाएंगे। हमको अपने सपनों को अधूरा छोड़ के बीच में ही हमको अपने गांव घर वापस जाना पड़ेगा। तो उसके बाद हमने नो रेंट फॉर स्टूडेंट्स कैंपेन की शुरुआत की। इस कैंपेन की शुरुआत जब हमने की तो इस पर ट्विटर पर हमने सोशल मीडिया कैंपेन चलाया। दो अलग अलग अवसरों पे, दो अलग अलग दिन नो रेंट फॉर स्टूडेंट्स जो है ये ट्रेंड करता रहा। इस पर 25,000 से ज़्यादा ट्वीट्स हुए। कई सारे एक्टिविस्ट्स, कलाकार, पत्रकार, कई लोग जो छात्रों और बेरोज़गार युवाओं के साथ संवेदना रखते हैं, उन सब ने इस कैंपेन को पूरा मजबूती से साथ दिया, समर्थन किया। तो एक तो हमने ये कैंपेन चलाया, मीडिया में इस बात को रेज़ किया, और अब हमने इसके अलावा change.org पे एक पिटिशन की शुरुआत की जिस पर ऑलरेडी 3,000 से ज़्यादा लोगों ने पिटिशन को साइन कर दिया है। और जो तीसरा काम हम कर रहे हैं वो ये कि हम एक लेटर पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल करने की योजना बना रहे हैं, जिस पर हमारी लीगल टीम विचार कर रही है। हो सकता है अगले एक दो दिन में हम इसको भी फाइल करके, इस पर जो भी हमारी अंतिम कार्रवाई होगी वो करके आपको हम सूचित कर दें। तो ये नो रेंट फॉर स्टूडेंट्स का मुहिम हमने बड़े पैमाने पर पूरे देश में चलाया, इसका कुछ असर दिखना शुरू हो गया है। मेरा नाम उत्सव है, मैं अभी दिल्ली में रहकर सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। अभी हम लोगों को रेंट देने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मकान मालिक हर दूसरे तीसरे दिन किराया मांग रहे हैं। लॉकडाउन के चलते घर से भी पैसा नहीं आ पा रहा है, जिससे हमारे पास खाने के पैसों की कमी भी हो रही है, तो हम किराया कहाँ से ला कर दें। घर पर अभी गेहूं की कटाई चल रही है, तो वहाँ पर भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसी वजह से घर वाले भी पैसे नहीं लगा पा रहे हैं। युवा हल्ला बोल का हमने ट्विटर पर कैंपेन देखा था नो रेंट फॉर स्टूडेंट, जिसमें मेरे ही जैसे हजारों छात्र इस समस्या से प्रभावित थे। हम लोगों से सरकार से बस एक छोटी सी डिमांड है, जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक हम लोगों का किराया माफ कर दें। My name is Lakshmi and I'm a first year BA Honours English student of Zakir Hussain Delhi College, New Delhi, and I'm a Malayali student. As per the current situation of COVID-19 and the lockdown, most of the Malayali students from Delhi are being in Kerala and they are safe. But as a student, the main issue that we are facing is nothing but the rent issues over there. Like we have to study in Delhi, all the students have taken a flat over there and we have to pay that rent monthly. Now we can't, since because of the COVID-19 our parents are jobless, so we can't even pay the money. Now our landlords and landladies are continuously calling all the students of Delhi University and asking for the rent. ऐसे में छात्रों का कहना है कि सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, छात्रों के लिए भी किराया माफ करवाना चाहिए, क्योंकि फिलहाल किराया देने की आर्थिक स्थिति ज्यादातर छात्रों की नहीं है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।